हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड। दोस्तों, मैं जो आपके लिए रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ, ये टाटा की 3 कंपनियों में लेके आया हूँ। जी हाँ, कौन कौन सी में? टाटा मोटर्स, टाटा मेटेलिक्स और टाटा एलेक्साई। दोस्तों, इसके साथ में एक रिक्रूटमेंट और बताने वाला हूँ जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी से। तो साफ साफ मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है ये 2019 से लेके 2022 पास आउट वालों के लिए रहने वाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, इसीलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है, बहुत यूनिक होती है, बहुत अच्छी होती है। आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप अपना तो लॉस करते ही हैं, प्लस आप अपने दोस्तों का और लॉस करते हैं। उसका रीजन है, आप अप्लाई करेंगे तो शायद आपको देख के दूसरा बंदा अप्लाई करे, हो सकता है आपकी जॉब लग जाए तो आप दूसरे बंदे की जॉब लगवा दो। लेकिन अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो दूसरे की जॉब कैसे लगेगी? खुद की जॉब लगना टफ हो रहा है। तो मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, बहुत बंदों के दिमाग में ये क्वेरी रहती है, भाई मेरा यहां से रिप्लाई नहीं आया, भाई मेरा यहां से रिप्लाई नहीं आया, किया मैंने 50 जगह अप्लाई किया, मैंने 100 जगह अप्लाई किया। मैं आपको एक चीज बता दूं, बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूं, अगर मैं कोई बड़ी कंपनी का अपडेट डालता हूं तो आप जो है अनलिमिटेड अप्लाई करते हैं, लेकिन जब मैं किसी छोटी कंपनी का अपडेट डालता हूं तब आप अप्लाई करना ना पीछे हट जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप अप्लाई नहीं करते हैं। और पता है, मैं आपको बता दूं, आपने ये कहावत भी सुनी होगी, छोटे तालाब में मछली की ज़्यादा वैल्यू होती है, समुद्र में नहीं होती है। और समुद्र में चांसेस कम रहते हैं रिप्लाई आने के, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों में आपके चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में आपके साथ, आपके लिए, आपके बिहाफ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँ कि छोटी कंपनियों या बड़ी कंपनियों, स्टार्टिंग में अपने लिए जॉब मैटर करती है और जल्द में जॉब मैटर करती है, इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये दे रहा हूं मैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मेगा हायरिंग हो रही है, किसमें? टाटा मोटर्स में। अभी टाटा मोटर्स में जो है मेगा हायरिंग चल रही है और वेन्यू क्या रहने वाला है? होटल मैरीगोल्ड मेरीगोल्ड लॉन्च 7120 एम्पायर बैंकेट हैदराबाद में, डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव है 7 और 8 अक्टूबर को, मतलब 7 और 8 अक्टूबर को। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? जी हाँ, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। आप देखेंगे इन्होंने जो मांगा है, देखिए इन्होंने सब चीज मांगा है, इन्होंने मांगा है मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है इसमें टाटा मोटर्स में, इसमें 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। बट जो दोनों वैकेंसी और जो अगली तीनों वैकेंसी दिखाने वाला हूं उसमें बिल्कुल ही फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये है एक्सपीरियंस वालों के लिए। और एक्सपीरियंस वाले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें डिप्लोमा आप देखेंगे, डिप्लोमा की कौन कौन सी? डिप्लोमा सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करेंगे, बीई, बीटेक, एमटेक, सीनियर मैनेजर विद मिनिमम 60% मार्क्स और 5 ईयर्स का है जो एक्सपीरियंस है। और आपको जो क्राइटेरिया जो भी है पूरा मेंशन कर दीजिएगा, इसका लिंक मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा। इसके साथ साथ इसको अप्लाई कैसे करना है, यहां अप्लाई का पूरा तरीका भी बता दिया है जिसको आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, करंट कंपनी, टोटल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है, आपने बीई बीटेक की है, एमई एमटेक की है, करंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है, कौन सी डेट को आप आ सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू, 7 या 8, रोल अप्लाइंग फॉर किस, देखिए जो आप डिप्लोमा वाले करें वो करें एग्जीक्यूटिव के लिए, जो बीटेक वाले करें वो करें सीनियर मैनेजर के लिए, और एग्जीक्यूटिव के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन सी पोजीशन के लिए करना चाहते हैं आप, सिविल के लिए करना चाहते हैं, मैकेनिकल के लिए करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप सीएस के लिए करना चाहते हैं, टर्बाइन के लिए करना चाहते हैं, थर्मल के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए आप करना चाहते हैं वो सभी यहां एलिजिबल है। तो आप देखेंगे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कौन कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहां मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट समरी सोर्स एक्सपीरियंस सर्वे, दोस्तों यहां अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड, एक्सपीरियंस मतलब अपने बारे में बता देना है। जैसे ही आप अपने बारे में बताएंगे आपका क्लिक होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ये आ रही है टाटा मेटेलिक्स की तरफ से। टाटा मेटेलिक्स ने जो वैकेंसी निकाली है, पहले भी यहाँ से बहुत अच्छा अपडेट आया था जो कि है आपको नजर आ रहा होगा, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। अब इसमें भी बहुत भाई बोलेंगे, यार हमने तो पहले अप्लाई किया था, यहाँ से रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, अब टाटा पावर में या फिर कहीं भी चीज़ में हमें 10-10, 20-20 बार अप्लाई करना होता है। अरे मेल आईडी चेंज करके ही आप अप्लाई कर दो, तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें भी ऑफ कैंपस ड्राइव निकली हुई है और 4 कंपनी बड़ी बड़ी 4 MNC कंपनी में ये आई हुई है और जो टाटा ग्रुप के अंदर ही है।
दोस्तों आप जो देखेंगे फ्रेशर और एक्सपीरियंसर लिख दीजिएगा, इसके बाद आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ आपकी 2021 में कितनी डेट हो गई, जेंडर में, अपना कम्युनिटी में, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी है इसको सबको मेंशन कर दीजिएगा। ये जो है ये आज के टाइम में आईडी नंबर आपका देना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि उससे आपका लास्ट एक्सपीरियंस रोल पता लग जाता है या फिर कुछ और भी चीज़। तो मेरे हिसाब से आप वोटर आईडी दे दीजिएगा, तो उसका डाटा बहुत कम जगह होता है, आधार कार्ड का डाटा एवरी प्लेस पर होता है, तो आधार कार्ड नंबर मत दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपको एड्रेस दे देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है, अपना एजुकेशन डिटेल रख देना है, और एक्सपीरियंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है यस और नो, दोस्तों आपका अपना क्या कर देना है, फुल फोटोग्राफ वगैरह पूरी डिटेल ऐड कर देनी है, इसके साथ साथ अपना कैप्चा कोड डाल देना है और यहां सबमिट कर देना है। ये थी टाटा मेटेलिक्स की तरफ से। अब आई तीसरी वैकेंसी जो आ रही है दोस्तों, ये आ रही है डायरेक्ट ऑफ कैंपस ड्राइव टाटा एलेक्साई की तरफ से। टाटा एलेक्साई ने बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी निकाला है सिर्फ 2022 पास आउट वाले के लिए। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है जी, उन्होंने साफ साफ लिख दिया बीई बीटेक। कौन कौन सी ब्रांच हो गई इसमें, सीएस, ईएनसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, एम्बेडेड साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेटिव अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्रोट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले यहां डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया है कि मैकेनिकल यहां अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका कोर ब्रांच में ही आपका होगा। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ और भी इन्होंने नोट दिया है, डायरेक्टली आपको इन पे मेल भी करना है, मेल करना है आपको कवर लेटर के साथ। कवर लेटर क्या है, कवर लेटर है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, दैट इज कवर लेटर। कवर लेटर कहां मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको कवर लेटर की आगे भी जरूरत पड़ेगी, उसका रीजन क्या है कि मैं जो नेक्स्ट वैकेंसी का अपडेट दिखाने जा रहा हूं उसमें भी आपको अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है ये आ रही है MBL की तरफ से। MBL की फुल फॉर्म क्या है, कौन सी कंपनी है, MBL की फुल फॉर्म है मैकब बीके लिमिटेड। दोस्तों पावर सेक्टर में ये एक अपना नाम बना चुकी है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती है, इवन EPC कंपनी है। दोस्तों इनकी जो हेड है श्रीमती उर्ज फातिमा जी, और ये इनकी हेड है HR की, और ये जो है नोएडा बेस्ड कंपनी है, वैसे ऑल इंडिया, पैन इंडिया और ग्लोबलाइट भी वर्क करती है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हायर कर रहे हैं अभी, ये जो हायर कर रहे हैं मैकब बीके इज नाउ ऑन हायरिंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज मैकेनिकल नोएडा। दोस्तों ये मैकेनिकल इंजीनियर ट्रेनीज को हायर कर रहे हैं, सैलरी एज पर देयर एक्सपेक्टेशन या फिर जो भी मार्केट बेस के हिसाब से या उनकी स्किल्स के हिसाब से आपको प्रोवाइड दी जाएगी, तो इसमें जाके अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने मैम ने उस फातिमा जी ने इन्होंने डायरेक्टली HR@MBL.in पे मेल करने को बोला है। तो HR@MBL.in पे मेरे हिसाब से देखिए एक क्या होता है कि कभी भी आपसे कोई भी बड़ी कंपनी या कोई कैसी भी कंपनी हो कभी भी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करती है। याद रखिए जो आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है वो कभी आपको जॉब नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड बनाने का एक तरीका है, वो आप उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो आप चाहे तो जैसे भी आप कर सकते हैं, तो आप जो है दोस्तों ये HR इसको कवर लेटर के साथ आप मेल कर दीजिएगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और होप्सो कि ये आपको रिप्लाई करे, क्योंकि इन्होंने जो अपडेट भी दिया है कुल एक वीक ही हुई है, और ये मैकेनिकल के लिए मल्टीपल फंक्शंस में, क्योंकि मैकेनिकल के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और मैकेनिकल बेस्ड कंपनी है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको कवर लेटर कॉपी करना है वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आएंगे आपको दिखेगा यहाँ मैं सारी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले डालता हूँ, तो इसीलिए आप भी आगे इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल अपडेट और स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ जो है मैंने जो कवर लेटर है आपने ऊपर एक पिन मैसेज नजर आ रहा होगा, यहाँ मैंने सब कुछ पिन कर रखा है, तो कवरिंग लेटर आपको यहीं से मिल जाएगा, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, मतलब मॉडिफाई का मतलब कहने का मतलब है कि देखिए ये लिखा है कि यहाँ आप 2021 पास आउट है, 2022 पास आउट है, 2023 में पास आउट होने वाले हैं, 2021 पास आउट है, वो उस लिख दिया। अगर आप परसुइंग हैं तो परसुइंग में मेंशन कर दीजिएगा, परसुइंग होता है कि अभी हम ऑन वर्किंग है तो हम वो मेंशन कर दीजिएगा। अब ये मैंने लिखा है कि कौन कौन सी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी मेंशन किया है इसको मेंशन कर दीजिएगा। तो इसके बाद आपको जाना है मेल सेक्शन में, इसको कॉपी करने के बाद, और इसको सब्जेक्ट को आपको अलग लिखना है और इसको पूरे डिटेल को अलग लिखना है। तो अब चलते हैं एक बार मेल सेक्शन में। दोस्तों
अब आगे हैं मेल सेक्शन में। मेल सेक्शन में आप देखेंगे रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर, जो आपने सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में लिख देना है, और टू में जो मैंने आपको मेल आईडी कॉपी कराई थी उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है डियर सर ऑब्लिक मैम, जिसको, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता है कि भेजने वाला जो हमें रीड कर रहा है वो सर है या मैम है, तो उनको रेस्पेक्टेड देना है, तो ऑब्वियसली रिप्लाई अच्छा ही आएगा। तो दोस्तों इन्होंने लिखा है कि प्लीज, हाँ इसमें लिखना है जो भी आपका है 2021 में पास आउट होने वाले हैं, 2021 में पास आउट हुए हैं, 2022 में पास आउट हुए हैं, ये जब भी आप लिख दीजिएगा। इफ यू हैव एनी वैकेंसी इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आपकी कंपनी में कोई भी मेरे लायक वैकेंसी हो तो मेरे को जरूर आप बताएं। और दोस्तों यहां आपको सीवी अटैच करने के साथ, दोस्तों मैंने अपना एक सीवी का छोटा सा फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जहां मैंने आपको पिन बताया वहीं कवर लेटर के बाद उसका पिन मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। इसे कमेंट में बिल्कुल अपनी ब्रांच लिखना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक मॉनेस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर ले।